दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 10 से 12,000 रुपए के आसपास, मई 2021 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा बढ़िया और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहने वाला है। क्योंकि ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं भाई कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है और हर व्यक्ति के लिए अलग फोन बना होता है। यहां पर मैं आपको पांच फोन बताऊंगा, पांचों फोन अपनी अपनी जगह बढ़िया स्मार्टफोन है। डिपेंड करता है आपकी जरूरतों के ऊपर कि आपके लिए इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको नॉन चाइनीज फोन लेना है, जिनको चाइनीज फोन में इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर देसी लोग हो तो भाई उनके लिए देसी फोन होना चाहिए। यहां पर आपको मिलता है माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाला माइक्रोमैक्स इन नोट 1। बढ़िया फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, ग्लास फ्रंट मिलता है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है, आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। तो डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो G85 चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे देगा, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 4 कैमरास पीछे की तरफ मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो कैमरा मॉड्यूल भी यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। 5000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिल जाता है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर दिया गया है, और 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 11,499 रुपए में। तो नॉन चाइनीज फोन अगर आपको लेना है तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं उन लोगों की जिनको बड़ी बैटरी वाला फोन पसंद आता है, जिनके फोन में बैकअप अच्छा मिलना चाहिए उनको, वो लोग जा सकते हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले Redmi 9 Power की तरफ। प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, प्लास्टिक का बैक, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का यहाँ पर आपको फ्रंट दिया गया है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, अच्छी बात यह है कि फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन दिया गया है, आईपीएस एलसीडी पैनल मिलता है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट, वाटर ड्रॉप वाली नॉच मिलती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे देगा और गेमिंग भी आपको ठीक ठाक करा देता है, तो परफॉर्मेंस में भी ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 4 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो कैमरा मॉड्यूल से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 6000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, बैटरी नहीं बैटरा दिया गया है 6000 एमएएच का, 18 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो बैटरी से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,499 रुपए में। तो बड़ी बैटरी वाला फोन लेना है आपको तो Redmi 9 Power की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपने फोन में कोई UI पसंद नहीं है, एड्स नहीं पसंद है, ब्लोटवेयर्स नहीं पसंद है, जिनको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस पसंद है, वो लोग जा सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो G30 की तरफ। बढ़िया फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन खराब बात यह है कि HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल यहां पर दिया गया है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे देता है, गेमिंग भी आपको ठीक ठाक करा देता है, तो यहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस,
लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। फ्रंट में अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिलती है। 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 20 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5mm जैक भी यहां पर आपको मिल जाता है और इसका 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपए में। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन लेना है, ब्लोटवेयर आपको अपने फोन में पसंद नहीं है, बजट आपका 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास है, मोटो G30 की तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं गेमर्स के बारे में। अब गेमर्स के लिए यहां पर भाई थोड़ा सा बजट आपको पुश करना पड़ेगा क्योंकि 10,000 से 12,000 के अंदर आपको उतने बेटर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। यहां पर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जो आपको 13,000 रुपए में मिलता है लेकिन गेमिंग आपको बहुत मस्त करा देगा। मतलब 1,000 रुपए ज्यादा देकर के गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं Realme 6i के बारे में। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक की फ्रेम है, फ्रंट में ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। अच्छी बात यह है कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल मिलता है और उससे भी अच्छी बात यह है कि 90Hz का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि गेमिंग में आपको काफी हेल्प करेगा। तो यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो गेमिंग वाला चिपसेट यहां पर मिलता है, MediaTek Helio G90T चिपसेट दिया गया है जो कि आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही है, गेमिंग आपको और भी अच्छी करा देता है। तो यहां पर गेमिंग के लिए आपको बहुत बढ़िया चिपसेट दिया गया है। कैमरास की अगर बात करें तो 4 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 4 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है तो कैमरा मॉड्यूल भी यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। 4300mAh की बैटरी दी गई है। 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है। 30 वॉट का चार्जर अगर आपके पास में पहले से है या बाजार से खरीद के आप इसको अच्छा खासा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 12,999 रुपए में। तो 1,000 रुपए आपको बजट पुश करना पड़ेगा लेकिन गेमिंग आपको काफी अच्छी मिल जाएगी और अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है तो Realme 6i की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं भाई ऐसे लोगों की जिनको अपने फोन में सारी चीजें चाहिए, जिनको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस भी अच्छी होना चाहिए, जिनको कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, वो लोग जा सकते हैं Redmi Note 10 की तरफ। हालांकि ये वाला जो स्मार्टफोन है प्राइस थोड़ा सा इसका बढ़ गया है, 500 रुपए ऊपर निकल जाता है 12,000 से 12,499 रुपए में आपको ये फोन मिलेगा। लेकिन फोन धमाकेदार है भाई, प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, प्लास्टिक का बैक, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल यहां पर दिया गया है तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 चिपसेट मिलता है जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस देता है भाई, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाती है, गेमिंग भी आप डिसेंट लेवल के इसके अंदर कर पाओगे तो यहां पर परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल्स के 4 कैमरास आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं, कैमरा आउटपुट बढ़िया निकल के आते हैं। फ्रंट में अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दी गई है, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और सबसे अच्छी बात कि 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पर इनबॉक्स चार्जर मिलना काफी अच्छी बात है भाई। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 12,499 रुपए में। तो अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा फोन लेना है जहां पर आपको डिस्प्ले अच्छा मिले, बिल्ड अच्छी मिले, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाए, कैमरा बैटरी सारी चीजें अच्छी मिले तो Redmi Note 10 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 10,000 से 12,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में और मई 2021 के महीने में आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2 फोन ऐसे हैं जो आपको 12,000 के अंदर नहीं मिलते हैं लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी भाई कि अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है या आपको एक अच्छा सा ओवरऑल ऑलराउंडर फोन लेना है तो भाई थोड़ा सा बजट आपका पुश कर लो। गेमिंग के लिए 1,000 रुपए आपको पुश करना पड़ेगा, अच्छा फोन लेने के लिए 500 रुपए पुश करना पड़ेगा, लेकिन रिग्रेट नहीं करोगे भाई अपने डिसीजन को क्योंकि दोनों फोन काफी धमाकेदार हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है और आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा स्मार्टफोन सही रहने वाला है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।